एक ऐसे व्यक्ति जिसने भारतीय दर्शन को आसान बनाकर आम जन के लिए सुलभ किया। उनके प्रवचनों से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होकर उनके अनुयायी बने। उन्होंने न सिर्फ भारतीयों को बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को प्रभावित किया और उन्हें अपना शिष्य बनाया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ओशो के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। ओशो, जिन्हें लोग आचार्य रजनीश के नाम से भी जानते हैं, उनकी बनाई शिष्य परंपरा आज तक उनके उपदेशों को आम जन तक पहुंचा रही है। ओशो के विचारों ने जहां उनके लाखों समर्थक बनाए, वहीं बड़ी संख्या में विरोधियों को भी जन्म दिया। अपने आधुनिक विचारों की वजह से उनकी अवहेलना भी की गई। आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश और ओशो के नाम से विख्यात भारतीय आध्यात्मिक गुरु का जन्म 11 दिसंबर 1931 को भारत के कुचवाड़ा में हुआ था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय शिक्षण का कार्य किया और इसके बाद उन्होंने एक दिन दावा किया कि उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई है। 1970 में उन्होंने ध्यान की एक नई पद्धति को दुनिया के सामने रखा, जिसे डायनेमिक मेडिटेशन का नाम दिया गया। अपने विवादास्पद उपदेशों और विचारों के कारण भारत का परंपरागत समाज जब उनका विरोध करने लगा, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में अपना आश्रम बनाया और एक कम्यून की स्थापना की। वहाँ भी कुछ समय के बाद उनका भारतीय लोगों का विवाद शुरू हो गया और उन्हें अमेरिका छोड़कर वापस भारत लौटना पड़ा। भारत के पूना में उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया और 19 जनवरी 1990 को पूना में ही उनका स्वर्गवास हो गया। ओशो कैसे बने आध्यात्मिक गुरु? ओशो ने जल्द ही स्वयं को एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर स्थापित कर लिया। इस दौरान उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और अपने विचारों से बड़ी संख्या में अनुयायी बनाए। उन्होंने अपने विचारों से तब के युवा समाज को उद्वेलित कर दिया। उनके विचार संभोग से समाधि तक नाम की पुस्तक में सहेजे गए, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों में से एक बन गई। रजनीश पारंपरिक भारतीय अध्यात्म के विपरीत संभोग को ज्ञान प्राप्ति करने की राह में रोड़ा मारने के बजाय रास्ता मानते थे। उस वक्त के भारतीय समाज में उनका जमकर विरोध हुआ और उन्हें सेक्स गुरु तक की संज्ञा दे दी गई। पूना में उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। उनके भक्तों और भारत के एटिल गुरु के साथ ही पश्चिम देशों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। तब भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार माने जाने वाले विनोद खन्ना ने अपने कैरियर को छोड़ ओशो के शरण में जाने का फैसला लिया। भारतीय सिनेमा उद्योग के कई जाने माने लोग ओशो के पूरे आश्रम के नियमित सदस्य बने। उनके अनुयायी भगवा और लाल कपड़े पहनते थे और विदेशी अनुयायियों का भी हिंदुस्तानी नामकरण किया गया था। 1970 आते आते पुणे में 6 एकड़ में फैला आश्रम अनुयायियों के लिए छोटा पड़ने लगा और उन्हें एक नए आश्रम की ज़रूरत पड़ी। तब तक भारत में ओशो का विरोध भी अपने चरम पर पहुंच गया था और सामान्य जनमानस उन्हें स्वीकार करने से बिल्कुल तैयार नहीं था। इसी बीच 1980 में एक घटना घटी, जब एक व्यक्ति ने ओशो की हत्या करने का प्रयास किया। हालांकि वह इसमें सफल नहीं हो सका। इस विरोध से परेशान होकर ओशो ने अपने 2000 अनुयायियों के साथ भारत छोड़ दिया और अमेरिका के ओरेगन शहर में 100 मील के एक रेंज का अपना आश्रम बना लिया। इस रेंज को एक शहर में बदल दिया गया और नाम रखा गया रजनीशपुरम। वहां की स्थानीय सरकार ने इनका विरोध किया, लेकिन अदालत में ओशो की जीत हुई और आश्रम को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। लेकिन स्थानीय सरकार के साथ ओशो की नहीं बनी। आखिर उन्हें 1986 में फिर से भारत वापस लौटना पड़ा। भारत लौटने के बाद एक बार फिर उन्होंने अपने पूरे के आश्रम में उपदेश देना शुरू किया, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता रहा और 19 जनवरी 1990 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रम को ओशो इंस्टीट्यूट में बदल दिया गया। यहीं पर ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट की भी स्थापना की गई। इस रिसोर्ट में हर एक साल लाखों लोग ध्यान साधना के लिए आते हैं। इस सेंटर से जुड़े आज सैकड़ों ध्यान केंद्र पूरे भारत में खुल चुके हैं, जो ओशो के विचार के अनुसार ध्यान साधना करवाते हैं।